आपका एक वीडियो भी आया था थोड़े दिन थोड़े दिन पहले कि आप आपका कपिल ने आपको तीसरा या तीसरा फ्लोर से कदम दिया, तो आप वहाँ पे सऊदी गए थे या आप वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारा तकलीफ दे रहे, वहाँ पे क्या हुआ था बताइए। मैं सऊदी जाने के बाद मैं अपने काम करने के लिए गई थी, और मेरे को वहाँ पर वो लोग अच्छे काम करने कराने के काबिल भी नहीं है। हर चलो हम अपन कम्युनिटी तरह से काम करते रहते, जो मैं करने चाहती थी तो भी वो लोग मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे थे, तभी फिर भी मैं उनके साथ अच्छा रह रही थी। 3 महीने हो गया, मेरे को सैलरी भी नहीं दी, 1 रुपया भी सैलरी नहीं दिए, और फिर टॉर्चर कर रहे खाते तो अच्छा नहीं देखा। और उसके बाद में मैं बोली हमें लाभ कर डाले, मैं उसके बाद में लाभ कर दिए। बाद में उसकी बीवी भी घर पे नहीं है, उसकी बहन उन लोग मेरे पे जुलम करना होते तो सोच रहे थे, मैं उनके डर से मैं खिड़की से चले जाए तो अच्छा रहता, बोल के मैं कोशिश कर रही थी। पीछे से कफिल भी मेरे को धक्का लगा देके खिड़की बंद कर दिया, और मैं 10 घंटे तक नीचे गिरी हुई थी। उसके बाद में उन्हें 10 घंटे के बाद में बाजू का दुकान आकर बोले कि क्या है तेरे कदम आके सब वैसे तुम क्या बोले, तो वो बोल रहा अरे नहीं वो नहीं थी गुजर गई थी कि अभी आके गिरी हो, तो सब लोग उसकी गालियां दिए बात करें, अभी वो गिर गई थी तकलीफ में है हॉस्पिटल भेजा हुआ। तो फिर जब हॉस्पिटल की गाड़ी आके मेरे लेके गई, मेरे को बहुत अच्छा इलाज करे वहाँ, उन लोग मेरे पैराम से प्लास्टर लगा कमर में प्लास्टर ला रहे, थोड़ा इलाज करने के बाद में फिर मेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। एक कपिल आया था तो फिर वो कपिल लेके जाके मेरे को कुछ और टॉर्चर करेंगे उनको भी कर देंगे, बल्कि मेरे को पुलिस वाले ले जाके सेफ रखता लेते हैं। बस उनके पुलिस स्टेशन में रखने के बाद में मेरे एमबीसी वाले अपने अमजद उल्लाह खान साहब यहाँ से और वहाँ के लिए एमबीसी वाले मेरी पूरी मदद करे, या किसी पुलिस वाले या जो भी यहाँ के लोग मीडिया वाले लोग मेरी मदद करने के लिए उसमें काम करा। अभी तो आपको इंडियन एम्बेसी वाले आप वहाँ पे पुलिस स्टेशन में अप्रोच किया, बता रहे थे कि पुलिस स्टेशन गए थे, तो पुलिस स्टेशन के बाद वहाँ पे लेके गया और आपको धक्का मार दिया, दूसरी फ्लोर से आप नीचे गिर गए, तो आप लेके गए, उसके बाद में वहाँ पे क्या हुआ? हॉस्पिटल में थे सर, फिर हॉस्पिटल में आके फिर क्या बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो बोले तो फिर वो लोग बोले मैं फिर भी कभी भी आके कुछ भी कर सकता या ना तो जान से मार दिया या कुछ भी करेगा, बोलते वो लोग कहते रहे पुलिस ले जाएगा मेरे को सेफ रखना ले रखने के बाद रखने के बाद में पुलिस स्टेशन तक कितने दिन रह सकते हैं। और इंडियन एम्बेसी की लेडी और इंडियन एम्बेसी के जितने भी ऑफिसर्स थे वो लोग आए, आने के बाद वो लोग मेरे को बोले क्या है इतने दिन से यहाँ है, बोले इतने दिन से तुम आके देख ले मैडम, मैं मतलब में भी तो मैं रहती मेरी को जब भुजा देते तो ये सुनने हम उधर खाना हुआ तो अरे मैं ऐसे नाम मालूम नहीं है, हमको तो बोलता रहे तुम मर गए मुझे बोलता रहे थे नो मुझे भी ऐसा नहीं बोलते मुझे अच्छा मैडम बोलते मैडम के ऊपर गुस्सा आया आपको बात नहीं मरने से तुम्हारे वो तो मरते नहीं मरते हैं। फिर उसके बाद में फिर मेरे वो इंडियन एम्बेसी वाले क्या करें मकतब को लेके गए, मैं ले जाके जब पूछे तो मकतब में नहीं नहीं हसीना आप यहाँ नहीं रहते 20 दिन से यहाँ है ना, हम ले चलो बोलते पुलिस वाला मई और कुणाल सर मंजू मैडम उनके गाड़ी में मेरे को लेके गए मकतब में, फिर से मेरे को वहाँ पर रखेंगे यहाँ अकेले करना बोल कर लेके गए थे। लेके गए तो वहाँ के मुदीर जो होते हैं ना बड़े वो बोले नहीं नहीं यहाँ पर उनका सफ़र बोल के लिख के लेके चले गए कभी उनका कुछ भी नहीं है यहाँ, उनका सफ़र हो गया उनका, अब यहाँ एक बार आए तो हमारे पास सफ़र बोल के लिख के भेजने तो कहा हमारे पास डबल नहीं लेते अपने मकतब में, इस वजह से वो बोले नहीं 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 लेते, तो फिर से लेके गए पुलिस स्टेशन में। अब रहने रहने से वो बोल के वेटिंग करे 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 उसके बाद तो इंडियन एम्बेसी वाले आपको कब आके ये करे आपको आपका कफील कभी भी आपको 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 आपका कफील जो है वहाँ पे आप गए जब से आपको कुछ टॉर्चर करता था क्या होता था आपके साथ? कफील कभी भी गए जब से ना तो मेरे को कुछ सैलरी दे रहा था, बस काम करो और मारा खाओ खाना खाओ नहीं खाना देना, तो आपको मारता था कभी भी आपको कफील भी मारता उसकी बीवी भी मारती कभी भी कुछ भी छोटे बच्चे से भी बदतर रहते हैं हमारे वहाँ से
सुष्मिता स्वराज जी को फ़ोन किया, उन्होंने भी मेरे लिए मुझसे कोना किए, मुझसे मेरे लिए बात करे। तो जब ये लोग यहाँ से मदद करे, KTR साहब जो उनसे जितने भी लोग जो अपना कविता कृष्ण जी भी बात करे, बोलते बोले बच्चों वहाँ वहाँ की एम्बेसी, जब ये लोग सब यहाँ से हमारे लोग इंडियन के लोग जब वहाँ के ऑफिसर्स को परेशान कर रहे थे, तो वो लोग सब मेरे को जस्तुजु ज़्यादा करके और जल्दी करके, जल्दी बोले तभी मैं इतना मैं यानी कि मैं अच्छी हो जाना बोलते, और थोड़ा मैं लेट करके मेरे पैरान चलने आ सका, तो दिन वहाँ रहे बाद में कि मेरे को रिलीज़ करे लोग। वो भी रिलीज़ कैसे करे, वहाँ का कफिल मेरे से 15,000 रुपये मांग रहा था, तो यहाँ 15,000 वहाँ के दमाम के 15,000, यहाँ के 3.5 लाख रुपये हो, तो यहाँ का जो एजेंट उससे पैसे लिया था, वो पैसा उन्हें वापस मांगा, वो लेने के बाद में साइन करा, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई। तो आप समझते हैं कि आपको 3 लाख 3.5 लाख रुपये में बेच दिया गया? सॉरी, ये तो हर कदमा के साथ यही है कि उसके पहले 3.5 लाख रुपये जो है सो अपना एजेंट ले लेता है, उसके बाद में वो एजेंट पैसे खा लेके वो कदमा को उसके हवाले कर देता, तो वो लोग क्या समझते हैं ये कदमा नहीं है, ये हमारी खरीदी हुई गुलाम है। जैसे 1947 में अंग्रेज़ा करे थे ना, अंग्रेज़ों से भी बदतर है ये मुसलमान, ये मुसलमान सऊदी, और जो उनके हुकूमत को मैं बोल सकती हूँ, और हुकूमत जो जेल में रख के लोगों की मदद कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और मदद क्यों कर रहे भाई? हाँ, वो औरतों को न्याय जैसा देखो तुम, सलमान साहब जो अब्दुल्ला सलमान रामा के हुकूमत कर रहे ना, उन्हों आप वहाँ के और वहाँ पर कोई खदमा न्याय जैसा आपके वकीला ऐसी गलती ना करे, आपके देश को बदनाम ना करो। कई खदमा तो मर जा रहे, कई खदमा को तो मार के बेचारे खूनों में मिला के बेचारे, वहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, अभी उल्टा वो कफिल उनसे पैसे लिए तो लोग वापस नहीं बेचारा इंडिया को, ये कैसा है इंसाफ? ये इंसाफ है क्या? जब एक गलती करे तो आपको गलती पूरी ये करते पकड़ लेते और उसको जेल आ वो ये बोलते, तो ये कैसा इंसाफ है? एक औरत को यहाँ से बुलाते, उसको मालूम नहीं रहता इनके घर पे तकलीफ़ है, लिख जा के तकलीफ भी देते और उसको मारते, उसको खाना नहीं देते, और उसको बेचारी को भूखा भूखा रख के काम कराते, और मार के उसको खूनना निकाल दे रहे, जहाँ बोले वहाँ मार दे रहे, पैरों तोड़ डाले, ऊपर से फेंक डाल रहे। इतने मई एक नहीं है, एक इंडोनेशिया की अमीना बोल के लड़की है पुलिस स्टेशन में, वो भी 4 फ्लोर से गिर गई, एक जेसलिन बोल के है वो 2nd फ्लोर से गिर गई, इससे कई लोग नीचे गिर जा रहे। एक तो इंडोनेशिया की है, उसका नाम जेसी है, वो तो आती रथ काटली। सलमान अब्दुल्ला साहब, आप वहाँ के बड़े हैं, मैं आपके ऊपर बड़ी बात नहीं करना चाह रही, मगर आपके वहाँ के सऊदी के कफीला इतना जुल्म कर रहे हैं औरतों पे, बस आप रहम करो कि वो औरतें यहाँ से हम आ रहे, हमारी गलती है, मगर बस वहाँ रिलीज नहीं मिल रहा। तो अभी देखा गया तो माँ आपकी केस में सुषमा स्वराज जी कम से मीट भी आया था, और इंडियन एम्बेसी बहुत सारा इसमें इंटरवेंशन लेके इसमें उन लोग इन्वॉल्व होके आपको रेस्क्यू करके यहाँ पे भेजा दिया। अभी आप हैदराबाद एयरपोर्ट में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान की बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं तो पहले से भी हमारे देश के जैसा देश में कहीं नहीं, कोई भी नहीं, और सच में बोल रही मैं, अब एक मगरबी देश है जैसे अरबी कंट्री के लोग भी सऊदी में आके रो रहे, अभी वो लोग कब देख के आँख आँख खोल के नहीं मालूम, बस एक न्यारे बोले तो एक अमरीका के लोग उधर न्यारे, बाकी पूरे कितने कंट्री वाले हैं, गाना वाले हैं, इथियोपिया वाले हैं, इंडोनेशिया वाले हैं, फिलीपीन के लोग, फिलीपीन के लड़कियों के साथ तो वहाँ के कपिलों ऐसे करते हैं उन लोगों के साथ। अगर हम मैं झूठ बोलूँ तो आप जवाजात में जा कर देखिए, कई लोग कई कपिलों को जवाजात जेल में डाले हुए ये काम करे हुए, और कई कपिलों के ड्रेसों भरे हुए हैं। आप अगर सलमान साहब अगर आप देख सकते तो देखो वहाँ तक, जब आपको मालूम होगा कि ये बात गलत है कैसे। तो अभी आप बता रहे थे कि आप बहुत खुश है यहाँ पे आने के बाद, तो आप आवाम को क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोली यहाँ के लोगों को, यहाँ के औरतों को, जितना भी हो सके अल्लाह ताला हम जो दिया वो खा कर शुक्रगुजार करो, और यहाँ भी कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। मैं एक अलग सोच के गई थी, मेरे भी यहाँ भी अल्लाह का फ़ज़ल, मैं अच्छी हूँ, मैं एक अलग फील से गई थी, मैं यहाँ जाने के बाद थोड़ा अपने घर के अलग बात हुई, इस वजह से मैं गई, मेरे को पैसे भी दिए अल्लाह की फ़ज़ल से, मैं यहाँ भी कमा लेती उससे भी ज़्यादा, मगर मैं एक अलग फील से गई थी, वो ऐसा होगा मेरे साथ, मगर आप लोगों के साथ नहीं हुई जैसा। कोई भी औरत यहाँ भी बहुत कुछ है, यहाँ भी बहुत काम है, बहुत पैसा है, बस करो आप खोल के देखो और सऊदी को मत जाओ। तो
राइट आपका नाम बताइए।